हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्या बनाऊं? आज मैं बनाने जा रही हूं दही बड़े, जो कि हर ओकेजन में हम बनाते हैं, इसीलिए आज मैं बनाऊंगी दही बड़े। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये मूंग की दाल ली है। ये एक कप मूंग की दाल है, इसे मैंने रात में अच्छे से भिगो दिया था, ये अच्छे से फूल गया है। और ये है 1.5 कप उड़द की दाल। ये दोनों दाल को मैंने अच्छे से धो के और इसको पानी अलग करके छान दिया है। ये देखिए, ये दोनों दाल अच्छे से फूल गई है। हम मूंग की दाल थोड़ा कम लेंगे। अब इसे मैं मिक्सर में ऐड कर दूंगी। अब इसे हम मिक्सर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, इसे हमें ज़्यादा नहीं पीसना था, बस थोड़ा सा दरदरा होने तक पीसना है। और ये है उड़द की दाल। अब हम उड़द की दाल को भी फटाफट इस मिक्सर में पीस लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, 2 से 3 चम्मच ही बस पानी डालना है। ज़्यादा पानी डालने से मिक्सर हमारा पतला हो जाएगा। ये देखिए, ये उड़द की दाल को मैंने पीस लिया है। अब इसे भी दरदरा मैंने पीसा है। अब मूंग और उड़द दोनों ही दाल को हम एक साथ मिला लेंगे इसमें। ये देखिए, अब मैं इसे फटाफट जल्दी जल्दी अपने हाथ से मिक्स कर रही हूँ। आपको इसे अच्छे से हाथ से मिलाना है, उड़द और मूंग की दाल को, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने ये दोनों दाल ली है, आप चाहे तो उड़द की दाल से भी बना सकते हैं। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगी। ये देखिए, ये 10 मिनट के बाद अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे मैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी, जिससे हमारे बड़े के स्वाद बढ़ जाएंगे। और ये नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। फिर से इसे हाथ से अच्छे से मिला लेना है, ताकि पूरे मिक्सर में अच्छे से अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक ऐड हो जाए। ये देखिए, मिक्सर एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लिया है। अब ये एक बाउल में मैंने नॉर्मल पानी लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। अब मैं एक कढ़ाई में चढ़ा दिया है तेल को, और ये तेल भी गर्म हो गया है। तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नॉर्मल। अब ये देखिए, इसमें फटाफट से हम उड़द की जो दाल व मूंग की दाल को पीसे थे, उसके छोटे छोटे बड़े बना के इस पर डाल देने हैं। ये छोटे छोटे बॉल की तरह बड़े बन जाएंगे हमारे। फटाफट से इसे डाल देना है और अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, ये सब चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसमें हमें गैस का फ्लेम लो और मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। अब मैं इसे छन्नी से अच्छे से छान लूँगी। ये देखिए, मैंने इसे छन्नी पे निकाल लिया है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और ये देखिए, इसे इसी पानी में मैंने अच्छे से भिगो दिए हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे तो ये फूल जाएंगे। ये दही है, दही को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही अच्छे से मिक्स हो के सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए, मैंने दही को अच्छे से फेंट के सॉफ्ट कर लिया है। ये देखिए, ये अच्छे से भीग गए हैं। अब इन्हें ज़्यादा नहीं भिगोएंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे। अब इन्हें एक प्लेट में मैं निकाल लूँगी। इसका अच्छे से एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है, फिर इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। इसमें यूज़ करने के लिए खट्टी मीठी और मीठी चटनी की चटनी मैंने रेडी कर रखा है पहले से ही। ये इसके ऊपर से हम पहले दही डाल देंगे, फिर थोड़ा सा नमक डालेंगे, और उसके बाद ये तीखी चटनी। ये तीखी चटनी की रेसिपी मैंने अपने चैनल में डाली हुई है। और ये है इमली की मीठी चटनी, चटपटी। और ये थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया है। और ये देखिए, फटाफट से दही बड़े बनके तैयार हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट से और चटपटे से हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।